अब हीरा और रूही की कहानी हो गई है शुरू और साथ ही हो गई है अरमान की भी एंट्री। वेल दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया प्रोमो सामने आया है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। और जैसे ये प्रोमो आया तो प्रोमो ने धमाल मचा कर रख दिया है क्योंकि इस बार सीरियल की कहानी जरा हटके है। अब वो क्यों? वो इसलिए है क्योंकि अभीरा जो है वो लॉयर बनना चाहती है, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में होने वाली है जहां पर बहुओं को सिर्फ घर की चार दीवारों में रहना पड़ता है और बड़ों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अब ऐसे में अभीरा कैसे अपने सपनों को पूरा करेगी और क्या अरमान जो है वो रूही को छोड़कर साथ देगा अभीरा का? चलिए बताते हैं कैसे फिर से तीन तीन कहानी आपस में उलझने वाली है। और आप देख सकते हैं किस तरह से अभीरा जो है भगवान से ये प्रार्थना कर रही है कि उसे अपने मम्मी पापा की तरह अच्छा इंसान बनना है और अपनी माँ अक्षरा की तरह लॉयर बनना है। और वो फोटो देखती है अक्षरा और अभिनव की। वहीं दूसरी ओर रूही है जो कि अरमान से प्यार करती है और अरमान का मकसद सिर्फ यही है कि वो अपनी फैमिली को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। वहीं पर हम देख सकते हैं रूही और अरमान की लव स्टोरी दिखाई जा रही है जहाँ पर रूही कहती है कि मैं तो रूही अरमान हूँ क्योंकि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा अचानक से कहानी पलटी जहाँ पर अभीरा जो है शादी के जोड़े में नजर आई और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अरमान के साथ नजर आई। हम देख सकते हैं कैसे अरमान और अभीरा जो है शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ अरमान की फैमिली है वो बहुत ही कट्टर सोच की लग रही है, उनकी सोच रूढ़िवादी है जो कि काफी पुरानी है। हम देख सकते हैं कैसे वहाँ पर एक औरत है जो कि चिल्ला रही है और ऐसा लग रहा है कि वो घर की मुखिया है जिन्होंने अभीरा को क्लियरली कह दिया है कि अभीरा तूने हमारे अरमान से शादी तो कर ली है लेकिन तेरे सपने अब पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ की औरतें जो हैं वो सिर्फ घर की चार दीवारों में कैद रहती हैं और तुझे भी ऐसी रहना होगा और जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे तुझे भी करना होगा। तूने शादी तो अपनी इच्छा से की है लेकिन अब तू हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। वहीं अभीरा इन बातों से हैरानी है कि दूसरी तरफ रूही जो है वो भी उसको सामने दिख गई है। अब रूही जो है वो भी दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि वो किसी और से नहीं बल्कि अरमान के भाई से शादी करके उस घर में आ जाएगी। अब जहाँ पर रूही जो है वो अभीरा की जिंदगी में जहर घोलेगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आरोही अक्षरा की जिंदगी में किया करती थी। वह हमने पिछले सीजन में देखा था कि अक्षरा अभिमन्यु और आरोही की जिंदगी टकराई थी और इस बार रूही अभीरा अरमान की जिंदगी टकराने वाली है। लेकिन ऐसे में अभीरा अरमान कैसे क्लोज आएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आप कितना एक्साइटेड हैं सीरियल के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, ट्विस्ट को लेकर, लीप को लेकर? क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।